नमस्कार। अभी हाल ही में भारत के बिजनेस के दो बड़े बिजनेस टाइकून अंबानी और अडानी, इन दोनों के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ जो अभी चर्चा का विषय चल रहा है। आई थिंक इन इंडिया इट्स एग्रीमेंट ऑफ डन बाय फर्स्ट टाइम आई थिंक। तो आखिर इन दोनों बिजनेसमैन ने ये एग्रीमेंट क्यों किया? नो पोचिंग एग्रीमेंट। भारत में किसी और दूसरी कंपनियों ने आपस में ऐसा एग्रीमेंट नहीं किया है, इन दोनों ने ही ऐसा एग्रीमेंट क्यों किया है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? आज अपन जानेंगे कि नो पोचिंग एग्रीमेंट क्या है, व्हाट इज द एग्रीमेंट ऑफ नो पोचिंग एग्रीमेंट, और इस एग्रीमेंट के करने के पीछे इन दोनों का क्या मकसद है, क्या एम है, क्या जरूरत पड़ी, क्या नीड पड़ी इनको कि अपन को ये नो हायर एग्रीमेंट करना होगा। इन्होंने इतने टाइम तो नहीं किया, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में क्यों किया, और अपन जानेंगे कि वाकई में नो पोचिंग एग्रीमेंट, नो हायर एग्रीमेंट क्या है, और आखिर इसको करने की जरूरत क्यों पड़ी, और भारत के दो बिजनेस टाइकून ने इस एग्रीमेंट को क्यों किया। देखिए आप, अडानी अंबानी, नो पोचिंग एग्रीमेंट, नो हायर एग्रीमेंट, व्हाट इज दिस? सबसे पहले इसका मतलब जानेंगे। नो पोचिंग एग्रीमेंट, नो हायर एग्रीमेंट, इसका मतलब यह होता है कि आप एक दूसरे को, कर्मचारियों को अपने यहां पर हायर नहीं कर सकोगे। जैसे अंबानी की कंपनी में कोई कर्मचारी कार्य कर रहा है और वो सेम उसी दूसरी कंपनी में एंटर होता है अडानी की, तो अडानी उस कर्मचारी को हायर नहीं करेंगे। नो हायर एग्रीमेंट का मतलब इसका यह होता है। आज नाउ प्रेजेंट टाइम अधिकतर अंबानी और अडानी की कंपनी सेम है, दोनों सेम बिजनेस में उतर चुके हैं। पहले नहीं थे, पहले इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट नहीं था, इन्होंने हाल ही अभी किए, चार दिन पांच दिन पहले ये एग्रीमेंट किया है। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम बिजनेस में आ चुके हैं और इनको पता है कि अपन दोनों सेम बिजनेस में हैं, और कर्मचारी दो एक दोनों के दूसरों की कंपनियों को अच्छी तरह से जानते हैं। अगर वह एक दूसरे के कर्मचारी को इधर से उधर लेंगे तो नुकसान, लॉस किसको होगा? लॉस दोनों को होगा, अडानी को होगा, अंबानी को होगा। कैसे? देखिए आप, दोनों की कंपनियां सेम कैसे, देखना आप। अडानी भी टेलीकॉम सेक्टर में उतर चुके हैं, अंबानी पहले से ही टेलीकॉम सेक्टर में जियो के रूप में है, इंडिया में स्टेब्लिश, ग्रीन एनर्जी अडानी भी उतर चुके हैं और ग्रीन एनर्जी अंबानी के पास में भी है, फूड बिजनेस अडानी के पास भी उतर चुके हैं और फूड बिजनेस में अंबानी पहले से हैं, बायोगैस पेट्रोलियम में गौतम अडानी उतर चुके हैं और बायोगैस पेट्रोलियम में मुकेश अंबानी पहले से हैं। दोनों की कंपनियां सेम हो गई, दोनों के कर्मचारी सेम नॉलेज रखते हैं, सेम सब कुछ रखते हैं, लेकिन अगर कोई कर्मचारी, जैसे कोई टेलीकॉम सेक्टर में इनका अंबानी का कोई कर्मचारी वर्क कर रहा है, अगर वो इधर गौतम अडानी की कंपनी में आ जाएंगे अच्छे पैसे, अच्छा पैकेज पर, और वापस अंबानी उसको वापस उसके कंपनी में ले लेंगे अच्छे पैकेज पर, तो क्या होगा? लॉस किसको होगा? लॉस इन दोनों को होगा। कर्मचारी इधर से उधर दौड़ते रहेंगे अपने बेनिफिट के लिए, नुकसान किसको होगा? अडानी और अंबानी को। तो इस नुकसान को इन दोनों ने रोकने के लिए नो पोचिंग एग्रीमेंट यानी नो हायर एग्रीमेंट कर लिया। अब देखिए इसमें होता क्या है, अगर अंबानी का कोई भी कर्मचारी टेलीकॉम सेक्टर में है, जियो में है, लेकिन अगर वो इसमें गौतम अडानी की टेलीकॉम कंपनी में आएगा तो गौतम अडानी उसको नहीं रखेंगे अपने यहां पर कर्मचारी। पॉइंट ऑफ नोट की बात कर लेना आप, नो हायर एग्रीमेंट का मतलब यही है, कोई भी कर्मचारी इधर से इधर नहीं आ पाएगा। इनका भी टेलीकॉम सेक्टर, इनका भी टेलीकॉम सेक्टर, यहां का कर्मचारी किसी दूसरी कंपनी में जा सकता है, लेकिन अडानी का कर्मचारी अंबानी के कंपनी में नहीं जा पाएगा। इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। और सबसे बड़े पॉइंट, मजे की बात तो यह है, यह कोई कानूनी एग्रीमेंट नहीं है, भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त एग्रीमेंट नहीं है, ये इन दोनों के आपसी सहमति का एग्रीमेंट है। इन दोनों ने अपने आपस में एग्रीमेंट कर लिया, तू हमारे कर्मचारी को मत रखना, मैं तेरे कर्मचारी को नहीं रखूंगा, बस इन दोनों ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया।
इसमें नुकसान किसको हुआ? हो सकता है कि मैं भी कर्मचारी को हुआ, लेकिन फायदा किसको होगा? अडानी और अंबानी को। ये कर्मचारी जो पहले हैं उस स्थान पर टिके रहेंगे, एक दूसरे की कंपनी में जंप नहीं मारेंगे, अच्छे पैकेज में नहीं दौड़ेंगे, अपनी जगह है अपनी जगह रहेंगे। तो अगर आप भी बिजनेस में हो या आप भी कुछ करते हो अपने लोकल एरिया में, तो हो सकता है आप अपने छोटे मोटे बिजनेसमैन से ऐसा अग्रीमेंट कर ले, भाई यार तू मेरे कर्मचारी मत रखना, मैं तेरे कर्मचारी मत रखूंगा। अगर आप ऐसा अग्रीमेंट कर लेंगे तो हो सकता है आप भी बेनिफिट में रहे, वरना तो क्या आपका कर्मचारी उधर भागेगा, उधर का कर्मचारी इधर आएगा, जो जिसके पास ज्यादा पैसे देंगे इधर उधर दौड़ते रहेंगे। तो बिजनेस के सिलसिले में, बिजनेस के मामले में आई थिंक दैट इज द बेटर अग्रीमेंट, नो हायर एग्रीमेंट, नो पोचिंग एग्रीमेंट। इन दोनों ने बहुत ही अच्छा अग्रीमेंट किया है, इन दोनों को ही इन फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा।